माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज फिर इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस में बताने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आज यहां पे बताएंगे। देखिए, पहला रूल है इन अनकंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज जीरो। अनकंबाइंड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। कोई भी एलिमेंट इस तरह से है, मेटल है, कार्बन है, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। अनकंबाइंड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। दूसरा रूल में देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, इनका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फर्स्ट ग्रुप में प्लस वन और सेकंड ग्रुप में प्लस टू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एल्कली मेटल्स हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस वन alkaline earth metals have fixed oxidation state of plus 2 in combined state। मतलब इनके compounds में alkali metal का fixed state होगा plus 1 और alkaline earth metal का fixed state होगा plus 2। जैसे सपोज कीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसका स्टेट प्लस टू होगा, यहां माइनस टू। क्लोरीन का हो गया माइनस वन, दो क्लोरीन है माइनस टू, तो एक का हो जाएगा माइनस वन। तो दो रूल हमने सीख लिए, अनकंबाइंड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, कंबाइंड स्टेट में एल्कली मेटल का प्लस वन और एल्कलाइन अर्थ मेटल का प्लस टू होता है। अब रूल थ्री की तरफ हम चलेंगे, आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। दो रूल बता दिए हमने आपको, अब तीसरे रूल पे आइए। तीसरे रूल में हम बताने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। इन मेटल हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस वन। इन नॉन मेटल हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन। अब देखिए, जैसे ये नॉन मेटल हाइड्राइड है, हाइड्रोजन पे प्लस वन होता है, तो तीन हाइड्रोजन है, प्लस थ्री हो गया, नाइट्रोजन पे माइनस थ्री हो गया। और मेटल हाइड्राइड में
देखिए प्लस टू माइनस टू एक एटम पे क्या हो जाएगा माइनस वन, सॉरी हाँ ये प्लस वन ये माइनस वन, तो ये नॉन मेटल हाइड्राइड है नॉन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन। रूल नंबर टू में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको यहां बताया गया मेटल हाइड्राइड में हमेशा प्लस वन होगा सॉरी मेटल हाइड्राइड में माइनस वन होगा और नॉन मेटल हाइड्राइड में प्लस वन होगा। अब हम आएंगे रूल नंबर फोर पे। इसमें हम लोग को देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। इन नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस टू। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होता है। पांच ऑक्सीजन है माइनस टेन हो गया ये प्लस टेन हो गया। दूसरा पार्ट इसका देखिए इन परऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस वन। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस टू माइनस टू, तो देखिए एक एटम का स्टेट हो जाएगा माइनस वन। सोडियम परऑक्साइड एक एटम का हो जाएगा माइनस वन। बेरियम परऑक्साइड एक एटम का हो जाएगा माइनस वन। तो परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होता है, नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होता है। तीसरी कैटेगरी आ रही है सुपर ऑक्साइड्स। दीज ऑक्साइड्स शो माइनस हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल लेंगे KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड। एल्कली मेटल पे प्लस वन होगा क्योंकि रूल नंबर वन के हिसाब से एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है प्लस वन, तो यहां पे माइनस वन हो गया माइनस वन हो गया माइनस वन हो गया। एक एटम का निकालेंगे तो माइनस हाफ, तो सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है माइनस हाफ। माय डियर स्टूडेंट, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर एक खास बात होती है, सुपर ऑक्साइड्स में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
इससे क्या होता है, दीज ऑक्साइड्स आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। ये ऑक्साइड कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो देखिए नॉर्मल ऑक्साइड्स O2 माइनस एन होता है, परऑक्साइड्स में O2 2 माइनस, सुपरऑक्साइड्स में O2 माइनस। क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट में होता है? ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट में तब होता है जब वो फ्लोरीन से जुड़ा होता है, ओ एफ टू माइनस टू प्लस टू, ओ टू एफ टू माइनस टू प्लस टू, यहां पे एक का हो जाएगा प्लस वन। तो ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ये ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड है। ऑक्सीजन इन पॉजिटिव स्टेट। तो यहां माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए आप कि ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ साथ कुछ स्पेशल केसेस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट रूल में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज जीरो। जैसे आप देखिए ये कैमेनो फोर है, मान लीजिए मैंगनीज का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, एक्स ले लीजिए, पोटेशियम प्लस वन, ऑक्सीजन नॉर्मल में माइनस टू होता है तो ये माइनस एट हो गया, तो टोटल हमको जीरो लेना है। यानी एक्स क्या आ गया प्लस सेवन, तो मैग्नीज का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन है। तो किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। इससे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आखिरी रूल आ रहा है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन is equal to its charge
कीजिए कि आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, कहता क्रोमियम का स्टेट बताओ, तो दो क्रोमियम है 2x हो गया, ये 7 है ऑक्सीजन नॉर्मल, माइनस 2 होता है, टोटल कितना आ गया माइनस 2, 2x इक्वल टू प्लस 12, x इक्वल टू प्लस 6, यानी यहां पर क्रोमियम प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो किसी भी आयन में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आयन के चार्ज के बराबर होता है, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, थोड़े स्पेशल केसेस हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, इसमें से एक आध हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए CrO5 है, आप ये एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा निकालिएगा घर पे। तो CrO5 में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ये तो दोनों ऑक्सीजन है इधर, ये परॉक्सी लिंक है, तो माइनस वन स्टेट ले, ये नॉर्मल ऑक्साइड है माइनस टू लेंगे, तो एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स। यहां पे क्रोमियम प्लस सिक्स स्टेट में है, और आपने अगर झटके में ऐसे निकाल दिया तो गलत हो जाएगा, x माइनस 10 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस 10, इट विल बी रॉन्ग। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पता चलेगा परॉक्सी लिंक है इसमें, तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए जैसे H2SO5 है, कैरोज एसिड बोलते हैं इसको, यहां पे भी देखिए परॉक्सी लिंक है, तो यहां माइनस वन लेंगे, बाकी सारे ऑक्सीजन पे माइनस टू, हाइड्रोजन पे प्लस वन, सल्फर पे एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू हो गया हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन में माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट, तो टोटल ऑक्सीजन का हो गया माइनस एट इक्वल टू जीरो, एक्स आ गया प्लस सिक्स, यानी यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है। अभी C3O2 देखिए, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, ये प्लस टू ये प्लस टू ये जीरो, तो देखिए दो कार्बन प्लस टू स्टेट में है और एक कार्बन जीरो स्टेट में है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, तीनों कार्बन पे हमने लिया 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस 4 बाई 3, वैसे तो एवरेज प्लस 4 बाई 3 है, लेकिन इंडिविजुअल
कार्बन पे अगर आप देखें तो ये दो टर्मिनल कार्बन पे प्लस टू है और मिडिल कार्बन पे जीरो है, क्योंकि अगर सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और ना ही लॉस होगा। इसी तरह देखिए Br3O8, इधर -2 -2 -2, तो इस ब्रोमीन पे आ जाएगा +6, -2 -2, मिडिल ब्रोमीन पे आ जाएगा +4, -2 -2 -2, टर्मिनल ब्रोमीन पे आ जाएगा +6। तो तीनों ब्रोमीन पे स्टेट अलग अलग है, लेकिन एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, 3x -16 = 0, 6, 6, 12, 14, 16, 16, x will be equal to +16/3, एवरेज +16/3 आएगा। लेकिन इंडिविजुअल ब्रोमीन पे अगर आप देखें तो टर्मिनल ब्रोमीन पे +6 और मिडिल ब्रोमीन पे +4 आएगा। तो H2S2O8 का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप खुद निकालिएगा। सिर्फ ध्यान दें आप क्या देना है, ये परऑक्सी लिंक है, इसमें दोनों पे -1 होगा, बाकी सारे ऑक्सीजन पे -2 होगा, हाइड्रोजन पे +1 होगा, सल्फर पे अगर एक्स ले लें तो 2x हो गया, हाइड्रोजन का +2 हो गया और ऑक्सीजन का -2 -4 -6 -7 -8 -10 -12 -14, एक्स इक्वल टू +6, दोनों सल्फर आइटम पर यहां पर +6 स्टेट है। तो इनको हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, देखने में कुछ और लेकिन कैलकुलेट करने में कुछ और। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के रूल्स बताए, इनको रिवाइज कीजिएगा, इनकी आपको 11th में, 12th में, BSc में, नेट एग्जामिनेशन में, JEE में और नीट में हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी, और इसको रिवाइज करके इसको तैयार कीजिएगा। टिल देन अगेन आई रिक्वेस्ट यू, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड हेल्प मी इन दिस लर्निंग एंड टीचिंग जर्नी ऑफ केमिस्ट्री नेम कैम एलेक्सा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।